अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कॉकस कैक्टाई। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम एज यूजुअल उसका कॉमन नेम देखेंगे। इसका कॉमन नेम है कॉकनियल इंसेक्ट। कॉकनियल इंसेक्ट, इसकी इस इंसेक्ट की हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं कि इस इंसेक्ट में साल्ट होता है जिसमें एल्युमिनियम और कैल्शियम 20-24% साल्ट मौजूद होता है, जिससे हम रेड कलर की डाई मतलब के बनाते हैं और मतलब उसे फिर यूज़ करते हैं रेड डाई में। ठीक है, रेड डाई के तौर पे इसे फिर हम यूज़ करते हैं 17-24% एसिड्स होते हैं। कौन कौन से एसिड्स होते हैं? एल्युमिनियम एंड कैल्शियम। एल्युमिनियम एंड कैल्शियम, ठीक है। और डाई किस मतलब के रेड डाई होता है वो हमें मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होती है? कैलामाइन डाई E120, ठीक है। ये डाई रेड डाई के तौर पे हमें मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसे हम खरीद भी सकते हैं। अभी हम इसकी गाइडिंग सिम्टम पढ़ लेते हैं। मेजर टू इसकी गाइडिंग सिम्टम्स हैं। बेसिकली ये मेडिसिन दी की सिम्टम के बेस पे दी जाती है। दो हैं इसके सिम्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है होपिंग कफ। एंड रीनल कैलकुलाई मीन्स स्टोन्स, मीन्स किडनी स्टोन। इन अदर वर्ड्स किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती है और होपिंग कफ के लिए। ठीक है, अब हम इसकी वन बाय वन सिस्टम वाइज की सिम्टम देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रेड हेड की देखेंगे, हेड में क्या सिम्टम अपेयर होती हैं और फिर ये मेडिसिन दी जाती है। हेड के सिम्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है सब ऑक्सीपिटल पेन। ठीक है, सब ऑक्सीपिटल पेन मीन्स के ये हमारा हेड है, आईज नोज जैसे भी, ये ऑक्सीपिटल है और सब ऑक्सीपिटल मीन यहाँ पे, सब ऑक्सीपिटल, सब मीन अंडर। ठीक है, सब ऑक्सीपिटल यहाँ पे पेन होगा लेटने से और एग्रेवेट होगा प्रेशर से, मींस के तकिए पे लेटने से उसे पेन होगा। व्हाट्स बाय लेइंग डाउन, जी ये इसकी हेड की सिम्टम थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आई सिम्टम। पेन इन राइट आई, ठीक है, और सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज इन अपर आईलिड, फॉरेन बॉडीज फील होगी अपर आईलिड में, फील होगा उसे जस्ट, ठीक है, उसे फीलिंग्स आएंगे जैसे कोई फॉरेन बॉडीज है उसके आईलेट में। तो हम देखेंगे कि ये किस मेडिसिन की सिम्टम है। नेक्स्ट वन इज के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेस्पिरेटरी में सबसे पहले हम इसके म्यूकस देखेंगे, कफ के साथ म्यूकस आएगी। म्यूकस की हम नेचर देखेंगे कैसा होगा। म्यूकस म्यूकस स्ट्रिंगी होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा मीन्स का, ठीक है, स्ट्रिंगी होगा, रोपी
tenacious. Thick jelly like. ठीक है, ये म्यूकस की नेचर है। और अब हम देखते हैं कफ ज़्यादा तौर पर मॉर्निंग में होगी उसे, कफ मोस्टली इन मॉर्निंग। और टूथब्रश की वजह से उसे ज़्यादा होगी। टिकलिंग इन लेरेंस, टिकलिंग मीन्स गुदगुदी सेंसेशन होगी उसका, लेरेंस पे टच करने से उसे कफ होगा। ठीक है, और सेंसेशन ऑफ क्रम्स, इन लेरेंस जैसे क्रम्स होते हैं उसके लेरेंस में, तो भी फीलिंग्स आएगी तो उसे साथ ही कफ आएगी। ठीक है, सेंसिटिव टू टच इन लेरेंस, सेंसिटिव टू टच मीन टच, लेरेंस पर टच करने से भी उसे कफ हुई। ठीक है, ये कफ की थी। और साथ में उसे बताया कि म्यूकस होगा, तो वो म्यूकस की हमने नीचे भी देखी कि वो रूपी होगा, स्ट्रिंगी होगा, जेली लाइक उसकी नीचे होगी। ठीक है, और ये थी रेस्पिरेटरी की इम्पोर्टेंट सिम्टम। अब हम देखते हैं यूरिनरी की, यूरिनरी सिम्टम। रेड कलर का यूरिन होगा, रेड यूरिन। हीमोचूरिया मीन्स यूरिन के साथ ब्लड आएगा। ठीक है, यूरिन प्लस ब्लड। ठीक है, और नेक्स्ट वन है पेन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। पेन होगा उसे ड्यूरिंग यूरिन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किडनी से ब्लैडर में जाएगा, किडनी टू ब्लैडर। ये थी यूरिन की, मीन्स के उसमें यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, इसकी मेन है। ठीक है, और अब फीमेल की देखने के उसमें क्या डिस्टर्बेंस आएंगी, तो हम ये मेडिसिन देंगे। फीमेल सिम्टम्स, मेंस्ट्रुएशन जो होगी वो इंटरमिटेंट होगा, इंटरमिटेंट मींस ड्यूरेशन उसका कंप्लीट होगा, मींस कि अगर वो मॉर्निंग में आ रहा है तो मॉर्निंग में ही उसे मेंस्ट्रुएशन आएगी। ठीक है, होगी। और अगर इवनिंग में है तो इवनिंग में, अगर किसी खास टाइम में है तो वो उसी टाइम पे आएगी, मेंस्ट्रुएशन शो होंगे। ठीक है, जैसे कि इस मेडिसिन में है कि मेंसेस जो होंगे, मेंस्ट्रुएशन जो होगी वो मॉर्निंग में आएगी या नाइट में आएगी, इवनिंग में नहीं होगी। ठीक है, इंटरमिटेंट का मतलब भी यही होता है कि वो खास टाइम इन्होंने बता दी है और इसी टाइम में वो शो होंगे। ठीक है, अब हम लास्ट वन, हम इसका लास्ट टॉपिक एग्रेवेशन देख लेते हैं कि इसे एग्रेवेशन और अमेलोरेशन किस होगी। डायबिटीज एग्रेवेशन होगी इसे लेइंग डाउन से, लेटनेस होगी। ठीक है, विंड से होगी, मींस के सेंसिटिव टू टच, हल्की सी भी हवा से भी उसे कफ होगी। ठीक है, ब्रशिंग से होगी, नाइट में भी एग्रेवेशन होगी, रात में कफ ज़्यादा होगी उसे। ठीक है, ये इसकी एग्रेवेशन थी। अब इसके अमेलोरेशन में आते हैं, अमेलोरेशन बाय हाई हेड। मीन्स कि लेटने से उसे कफ होती है लेंग डाउन से, तो अब सर उठाने से उसे मतलब के रिलीफ मिलता है, और वॉकिंग से भी। ठीक है, ये इसकी एमेलेशन थी।
और यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।